देख तो कैसे शर्मा रहा है। हैप्पी दीपावली, कैसे हो? अगर मैं मार्केट में आ गया तो कुछ लड़कियां और कुछ औरत और कुछ लड़के भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि लड़कियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पहाड़ी ब्लॉग्स में। दोस्तों सबसे पहले सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा प्रॉपर ढंग से नहीं आएगी, मतलब इतना ज़्यादा जुकाम लग रखा है ना, आप लोग देख सकते हैं आवाज़ कैसी हो रखी है, तो खतरनाक जुकाम लग रखा है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, तो आवाज़ भी प्रॉपर ढंग से नहीं आएगी। फिर भी मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। कोई कह रहा 30 को दीपावली, कोई 31 को, कोई 1 को, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा यार। तो हम 30 को भी जाएंगे, 31 को भी जाएंगे और 1 को भी जाएंगे। 30 को भी पटाखे फोड़ेंगे, 31 को भी पटाखे फोड़ेंगे और 1 को भी फोड़ेंगे, मतलब जब तक लोग दिवाली कहेंगे ना तब तक पटाखे फोड़ते रहेंगे बस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है ना। तो आप कमेंट करो भाई जा जा आपके यहाँ कब है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो आपको हम नीचे मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ मिलते हैं आप। तो दोस्त ये है नमक का पानी, मेरी आवाज़ थोड़ा चेंज हो रखी है, तो शायद में इससे खुल जाए। क्या बात गरारा करके, थोड़ा ठीक ही हो गई है। पहले जब भाई सुबह उठा तब तो भाई की आवाज थोड़ा भी नहीं निकल रही थी। जब मैं सुबह खड़ा उठा ना तो पता आवाज कैसे हो रखी थी, जब मैं आर्यन के लिए आवाज दे रहा था पता कैसे हो रहा था, आर्यन आर्यन ऐसा हो रहा था, अब थोड़ा सही हो गई है। मेरा दीदार से आगे आ चुके हैं और कोई अपना हाथ मत जलाना, तो दोस्तों हमने दीदी जी के लिए सब्जी ला रखी है कंकोड़ी, तो पहले उनको देते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे फिर आगे। चलिए, हेलो पिपी, हैप्पी दीपावली, हेलो हैप्पी दीपावली, नमस्ते नमस्ते, मामा जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, हैप्पी दीपावली, सेम टू यू। क्या करियो दरवाजा लगा के, हैप्पी दीपावली कब है आप, क्या बात दीपावली कब है दीपावली आपको भी हैप्पी दीपावली दीपावली कब है आप यहां पर, पता नहीं कोई आज बोल रहा कोई कल बोल रहा है। दोस्तों हम जा रहे हैं पहले बैंक में, ऐसे बैंक का रास्ता है, तो दोस्तों पहले हम बैंक में जा रहे हैं दीदी जी के साथ, उसके बाद चलेंगे फिर। आजा 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 भाई, आज भाई हमारे लिए पटाखे दीदी जी खरीदेंगी, हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे पास बैंक हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हमारा बैंक ये है यहाँ पर जो आ रही है, हमको दिवाली गिफ्ट देना, 10,000 रुपए दे दो हमको बस, लॉटरी लगी मेरी ना 5 लाख तनख्वाह आई नहीं। बैंक बैंक में तो वही जाते हैं ना जो सेठ लोग होते हैं, वही तो बैंक में। आपने कभी मेरे को बैंक में देखा? मैं कभी नहीं जाता। तो दोस्तों एक बार आपको मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ, मार्केट आज इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया ढंग से सजा रखा है। हैप्पी दीपावली, कैसे हो? यहाँ पर आवे इस वाली दुकान पे हमको पटाखा मतलब सस्ता रेट में मिल जाता है, बहुत अच्छा रेट में। तो देखिए सूरज बेटे, हाँ चलो, मैं अभी नहीं ले रहा, मैं कल आऊँगा। हाँ यार, दीपावली कब है पहले बताओ मुझे, आज या कल? कन्फ्यूजन कर रखा लोगों ने मुझे, कोई 31 और 1 कह रहा, धनतेरस है कल था और आज है, ठीक है दीपावली कल और परसों, कल और परसों दीपावली, आज क्या ले जा रहे हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा लामड़दार जा रहे हैं, वहाँ का माहौल भी देखते हैं कैसा हो रहा है। ये लामड़दार की मार्केट, ज्यादा कुछ खास नहीं है भाई यहाँ, खास तो नहीं है, एक दो आदमी में है यहाँ पे, पटाखे बहुत कम लग रखे हैं, मार्केट कुछ नहीं है इधर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों हम आ गए हैं लामधार और यहाँ कोई भी नहीं आ रखा है, ना ही तो यहाँ पटाखे लग रखे हैं, ना ही कोई इंसान आ रखा है, मतलब लामधार में ये पता नहीं चल रहा कि आज दीपावली होगी, यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा, इतने कम लोग आ रखे हैं,
कोई रौनक नहीं है। चले भाई हम फिर से वापस चलते हैं फिर अंजनेसर, और वहाँ पर अपना काम निपटाते हैं, फटाफट से घर चलते हैं। तो फिर आ चुके हैं हम अंजनेसर। देख तो कैसे सर मारा। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं जब भी कैमरे लेके घूमता हूँ ना, लोग मतलब अपने मुंह पर ढक लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वो अपना मुंह ढक रहे हैं, कुछ पल्लू से ढक रहे हैं, कुछ कॉफ़ी से ढक रहे हैं, तो इनको मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ के लोगों को। तो पहाड़ों में और शहरों में मैंने यही फ़र्क देखा, पहाड़ों में लोग क्या करते हैं जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुँह ढक रहे हैं भाई, और शहरों में ऐसा। ये मार्केट में हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपने लिए यहाँ से कपड़े ले रहा हूँ, एक जोड़ी कपड़ा, तो आज मैं यहाँ से लूँगा सुरेश भाई के यहाँ से, जिनको हम सूर्य भाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ दुर्गा दीदी के यहाँ और सूर्य भाई के यहाँ, जब मैं कपड़े खरीदता हूँ आज सूर्य भाई के यहाँ चलते हैं। तो इन लोगों के लिए कैरमी नर्टी एकदम ओके, बिल्कुल सही। हाँ भाई साहब, पहाड़ों में इतने गंवार लोग हैं भाई साहब अभी तक ना, कि क्या बोलें यार। हम अपना ब्लॉग शूट करें, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अभी शूट मत करो, पहले हम कुछ जाने दो, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे किसी को ज़बरदस्ती निकालना भी नहीं है अपने ब्लॉग में, किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं, मतलब इसका दुख मुझे नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जो मतलब वो है ना, लोग इतने आगे पहुंच गए हैं, और पहाड़ के जो लोग हैं उनको देखो आप कितने पीछे हैं अभी तक, इनकी सोच देखो, हमको कैमरे में मत निकालो, पहले हमें जाने दो, जहाँ पर ब्लॉग शूट हो रहा है वहाँ अपना मुँह ढक रहे हैं। तो पहाड़ अभी इतना पीछे है, इसीलिए पहाड़ के लोग सोशल मीडिया पे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हाँ 25% लोग होंगे जिनको पता होगा, 75% लोग यहाँ पर गंवा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है YouTube के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कर सकते हैं, पता नहीं है उन लोगों को। तो मैं अभी गया, मैं कपड़ा लेने गया दुकान पे कपड़े लेने, तो वहाँ पर एक लेडीज़ आ रखी थी, तो मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, क्योंकि मैं कपड़े ले रहा हूँ भाई तो मैं अपना ब्लॉग शूट करूँगा, मेरी मर्ज़ी है। तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, उसने मुझे बाहर निकाला कि ब्लॉग तब शूट करना, पहले मुझे जाने दो, ये कहा उसने। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं बाहर निकल गया, बाद में ले लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अफसोस इस बात का ही पहाड़ अभी बहुत पीछे है। मैं अगर मैं मार्केट में आ गया तो कुछ लड़कियाँ और कुछ औरत, और कुछ लड़के भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं, जो मुँह ढक रही है अपने। तो दोस्तों ये माही बाई की दुकान है, यहाँ पर आपको दीपावली का सब कुछ सामान मिलेगा। क्या क्या मिलेगा ये भाई साहब बोलेंगे, भाई बताओ आप। भाई यहाँ तो हर चीज़ें मिलती है, मतलब आपको जैसा थोड़ा जोर से दीपावली में कुछ लेना होगा तो हमारे पास है, ड्राई फ्रूट लड्डू है हमारे पास, गुलाब जामुन है, और काजू कतली वगैरह, गुड़ पट्टी वगैरह रखी हमने, पेठा वगैरह लगा रखा है, फिर साथ में हमने रेप वगैरह का ये गिफ्ट दे सकते आप किसी को। बाकी आप देख सकते हो हमारे अच्छे से डेकोरेट दुकान, आपको हर माल मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा। ये जो दुकान है अंजनेसर मार्केट की सबसे फेमस दुकान है, और सबसे अच्छा माल आपको यहीं पर मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ से अपने लिए कपड़ा खरीदता हूँ, आप लोग देख रहे हो, ये है सुरेश भाई की दुकान, ये हमारे सूर्य भाई यहाँ पर। दोस्तों ये है ब्लैक शर्ट जो मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, देखते हैं भैया जी इसका रेट कितना लगाते हैं, सही लगाएंगे तो दोबारा भी आएंगे। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, क्वालिटी वाला, एक बार लोगे तो 2 साल चलेगा, ज़्यादा भी चल सकता है। ऐसे कैसे बोल देगी तुम, बाहर चले जाओ भाई, बोलो सोचना करो, ये कौन सी भाषा है, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगता है। देखिए केक शॉपिंग है वाणी मामा जी, कपड़ों की शॉपिंग हो रही है। अच्छा। बनने पर भीड़ इनको क्या ही पता है, आप 1100 की पैंट दे रहे थे भाई 750 रुपए में, कहाँ आ गए थे आप, आज आप 50 रुपए कम कर रही हो, ओली यार 950 रुपए ना ना, ये आज कितना 700 रुपए पे ले जाओ, 900 वाला पैंट आपका, 800 पड़ा, 620 ले जाओ, 8 और 6 14 50 1800 जोड़ा,
नहीं आपके पास कस्टमर आए, कस्टमर जितने भी होंगे ना दाना में मैं लाऊंगा यार। कस्टमर लाओ तुम, दो चार तो ला ही लूंगा। अरे तो तू चल पांच कस्टमर ले लियो तो तब दे ही लेंगे कुछ ना कुछ, तेरे को हम अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। ठीक है मैं कस्टमर लाऊंगा, कस्टमर मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं ला लूंगा जाते कस्टमर रुपया। नहीं हम अपनी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट देंगे, नहीं हम ऐसा नहीं बोले ये देंगे, कोई वादा नहीं किसी चीज। देखिए दोस्तों मेरी यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, आप क्या करना कपड़े के लिए यहीं पे आना, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा है, अच्छे रेट में मिलेगा, हमारी भाई जी की दुकान है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास बोल देना, मैं आ जाऊँगा उस समय। ठीक है लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा है जानदार कपड़ा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक चलेगा भाई, चल रहा है वीडियो, चला देख रहे हैं यार, बेमानी करिए आप साल के। दोस्तों हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम यहाँ से घर जाए क्योंकि कल लेट भी हो गया। दोस्तों मैं घर आ गया और तो मैंने शॉपिंग की, कपड़ों की शॉपिंग, तो इसीलिए जा रहा था मैं बाज़ार, पटाखों के लिए मैं कल जाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा हमारा जो वहां पर क्रिकेट ग्राउंड है, पुराना क्रिकेट ग्राउंड, वहां पर जा रहा हूं, मेरे साथ भाई भी हैं, आरी भी हैं। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों।